नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं एनएम स्पोर्ट्स। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है और इससे पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ी और बुरी खबर सामने आई है। खबर यह है कि भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा चोटिल हो गए हैं और इसलिए वे पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह इंडिया ए के कप्तान प्रियंक पांचाल को टीम में शामिल किया गया है। रोहित शर्मा रविवार को यानी कि एक दिन पहले टीम इंडिया से जुड़ने के लिए मुंबई में पहुंचे थे और इस दौरान वे शाम को प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान उनको खिंचाव आया और बाद में पता चला कि मामला कुछ गंभीर है, यानी कि चोट उनकी गंभीर है। और बीसीसीआई ने इसके बाद सोमवार की शाम को एक ट्वीट किया और इसके जरिए जानकारी दी गई कि रोहित शर्मा पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। हालांकि रोहित शर्मा वनडे सीरीज में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये अभी तक पक्का नहीं है, लेकिन इसके बाद ही भारतीय टीम और बीसीसीआई के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आज इसी संकट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि वीडियो आगे बढ़े, अभी के अभी फटाफट से हमारे चैनल एनएम स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का जो आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने जब भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान किया था तब कप्तान को विराट कोहली को ही रखा गया, टेस्ट टीम का कप्तान विराट कोहली को ही रखा गया, लेकिन उप कप्तानी में बदलाव कर दिया गया था। पहले टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे हुआ करते थे, लेकिन इस सीरीज के लिए अजिंक्य रहाणे को टीम में तो रखा गया है लेकिन उन्हें उप कप्तानी नहीं दी गई है। उप कप्तान किसे बनाया गया? उप कप्तान यानी कि वाइस कैप्टन बनाया गया रोहित शर्मा को। अब सवाल यह है कि क्या उप कप्तानी का जिम्मा अजिंक्य रहाणे को फिर से दिया जाएगा या फिर केएल राहुल को ये जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर बीसीसीआई किसी युवा और नए खिलाड़ी पर दांव लगाने जा रही है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हालांकि टीम इंडिया मुंबई में 3 दिन का अपना क्वारंटीन पूरा करने के बाद 16 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भरेगी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के लिए जो उड़ान भरेगी भारतीय टीम वो 16 तारीख को भरेगी। और इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि शायद 16 तारीख से पहले ही ये पता चल जाए कि टेस्ट टीम का उप कप्तान यानी कि वाइस कैप्टन कौन होने वाला है। इस बीच आपको बता दें कि बीसीसीआई ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार सिर्फ यही कहा गया है कि रोहित शर्मा केवल टेस्ट सीरीज से बाहर हुए हैं, वो वनडे टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये अभी तक पक्का नहीं, और टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद वनडे सीरीज भी खेली जानी है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर रोहित शर्मा वनडे टीम में भी नहीं रहते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते हैं इतनी जल्दी, तो फिर टीम इंडिया का नया कप्तान यानी कि वनडे टीम का नया कप्तान कौन होगा? क्योंकि बीसीसीआई ने जिस दिन टेस्ट टीम का ऐलान किया था उस दिन केवल टेस्ट टीम का ऐलान किया था, वनडे टीम का यानी कि वनडे के पूरे स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन इतना ज़रूर बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में जो वनडे सीरीज होने वाली है उसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। अब अगर कहीं रोहित शर्मा वनडे सीरीज में नहीं रहे तो फिर सिलेक्शन कमेटी को ये भी सोचना पड़ेगा कि भारतीय वनडे टीम का कप्तान कौन होगा। क्या विराट कोहली को फिर से कप्तान बनाया जाएगा या फिर किसी और खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाएगा? क्या फिर वो केएल राहुल होंगे, क्या वो ऋषभ पंत होंगे? हालांकि अभी तक तो टीम का भी ऐलान, जो वनडे सीरीज होनी उसकी टीम का भी ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि अभी यही माना जाना चाहिए कि वनडे सीरीज अभी दूर है और तब तक रोहित शर्मा पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और जो कप्तानी वाला संकट है वो बीसीसीआई के सामने या फिर सिलेक्शन कमेटी के सामने नहीं आएगा। लेकिन इतना पक्का है कि टेस्ट सीरीज के लिए तो किसी न किसी को वाइस कैप्टन यानी कि उप कप्तान बनाना ही होगा। जल्द ही इसके बारे में बीसीसीआई की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट्स दिए जाएंगे। जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपके लिए तुरंत लेकर के आएंगे newsnationtv.com हमारी जो वेबसाइट है उस पर, और इसके साथ ही एनएन स्पोर्ट्स यानी कि अपने यूट्यूब चैनल पर भी हम आपको सारी अपडेट्स लेकर के आएंगे। आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा के बाहर हो जाने से टेस्ट सीरीज की उप कप्तानी किसको दी जानी चाहिए? क्या वो केएल राहुल होंगे या फिर अजिंक्य रहाणे होंगे या फिर किसी और युवा खिलाड़ी को टीम की वाइस कप्तानी की जिम्मेदारी, उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? आप अपनी बात हमें नीचे कमेंट बॉक्स जो आपको दिख रहा है उसमें आप अपनी बात हमें लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ख़त्म करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, एक इल्तिजा, एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देरी मत कीजिए, अभी के अभी फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। और जो आपको बेल का आइकन दिख रहा है ना उसे भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे और आप हर खबर को सबसे पहले
जान लेंगे। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन नया वीडियो लेकर के हम जल्द फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।